कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। असल बात यह है, ये कैसे अहमद ताजी हैं जो कहते हैं कि हम जबरदस्ती दुकानें खोल देंगे, तो वो जो एक टोपी लेके बैठा है वजीर आला, उसको एक सर चाहिए, तो इन्होंने तो उस टोपी में सर दे दिया। अगर ये खुल जाती कुछ दुकानें और फिर वायरस फैल जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की आती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने खुद, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा फैसला कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह की मदद, मैं मदद के लिए बात करूँ, सब मुझे बेहतरीन फैसला दे दे, मुझे मेरी सोच को एक ऐसा अमल दे दे जो मुझसे बेहतरीन फैसला दे जाए। यही सबब है कि 2008 और 2013 के बीच में आपको याद होगा कि उस वक्त ताजरों पर क्या बीतती थी, जो कोई बात करता था दूसरे दिन उसकी बात पूरी होती थी। तो मैं उस वक्त भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, सर हम बड़ी तौर पर मीटिंग करा नहीं सकते, इधर एक जिस तरीके से वो पर्सनली डाल देते थे, कल मार्केटें बंद होंगी, फिर मुझे कहते थे कि आपका बयान नहीं आया। तो मैं मसले तक, क्योंकि मैं अगर उनकी हिमायत ना भी करता तो शहर तो बंद करवा देते हो, तो मेरी हिमायत से ये हुआ कि मैं उनकी नज़र में इस लायक हो गया कि मैंने उनसे कहा यार ऐसा है कि 4 बजे हड़ताल तो कामयाब हो जाती है, 4 बजे खुलवा दिया। जब उन्होंने मेरी इस बात की माफी, फिर मैंने कहा यार अगर थोड़ा और एक दो घंटा पीछे आ जाए, तो इस तरह एक ऐसा वक्त आया जला पाक सालिम की तरफ से, एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दी और हड़ताल ना था, और वो कराची की जिंदगी में एक इंकलाब। तो अल्लाह ताला ने हमारी मेहनतों को, हमारी कोशिशों को उसकी लाज रखी। फिर जिस तरह एक कराची का हीरो जिसको शायद कम लोग जानते हो, डीजी रेंजर जनरल रिजवान अख्तर, आज भी वो शख्स मेरे दोस्त है, वो यादों को शेयर करता है, उसकी कोशिशों से वो मक्का ग्रुप जितने भी थे जिन्होंने कई जगह रियासतें कायम की, वो जिसको सदर पाकिस्तान सरकारी की सपोर्ट है, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, तो कह रहा हूँ जिनको हुकूमत सिंह की सपोर्ट की, वो गया इन्वॉल्व, वो रेंजर ने उसका जन्म वासी कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मेरे ताजिर यहाँ भी ये लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जान तेरी पे रख के उसका मुकाबला किया। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अपने साथ अपने इतिहाद में बेहतर से बेहतर लोग रखें, इंशाल्लाह आप देखोगे कि कोई काम आपका रुकेगा नहीं। आपके काम भी क्या है, आपके काम भी क्या है, आपने कौन सा कुछ काम खड़ा करा है, पार्टी को संभाले, कभी बिजली का मसला होता था, कभी सीवरेज का मामला, तो आपके यहाँ तो वो भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ताजरों के साथ है, आपके साथ तो वो भी नहीं है, लेकिन मसला हो या ना हो, घर की दीवारें तो मजबूत रखनी चाहिए, बुलंद रखनी चाहिए। तो इत्तेहाद एक मार्केट में हो तो वो भी बड़ा जानदार होता है, एक मार्केट भी मजबूत हो और मार्केटों के साथ मार्केटें मिल जाएं, तो ये सोने पे सुहागा है। ये एक मुश्किल काम है, एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं जो एक अच्छी बात देख रहा हूँ, जो जितने भी जिम्मेदारान से निकल साज साहब से बात की, मलिक साहब से काफ़ी, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास अच्छी टीम है, मुखलिस टोन है। देखिए एक टीम जब मैच को उतरती है, क्रिकेट टीम तो सेंचुरी को एक आदमी बनाता है, तो आप में एक आदमी भी अगर एक्टिव होगा, अगर वो आपके कामों के लिए वक्त दे दिया, तो आप देखोगे कि आपका इतिहास इंशाल्लाह आगे जाएगा, आपका इतिहास इंशाल्लाह कामयाब होगा। रही बात हमारी आपके साथ ही, तो कभी भी हमें ये ना देखिएगा ये वक्त क्या है, कभी भी मुझे ये मौका क्या है, आप जब इंक्वायरी में जब आपसे हाथ मिला गया तो आपका हाथ छोड़ने के लिए आपके साथ में पाकिस्तान आपके साथ हमारी और हम आपके साथ हैं, आपने ज़्यादा जवाब हमारे साथ हैं, आपने आगे ही रखा।
तमाम बरकतें रहमत के हम सब पे नाजिल करवा, ज्यादा हम सब में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब करवा, एक दूसरे को अपने इकराम नसीब करवा, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बना। ज्यादा इस तमाम इकलास की रहमतें बरकतें हमारे पूरे शहर पे नाजिल करवा, जिला हम तमाम सलाहते हो जाए हमारी लड़कियों को कहीं को वापस रब्बना फिर लि वलवालिदैय्या वलिलमुमिनीन यौमा यकूमुस सिहाब सुभान